हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चलिए भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनों हज़रात, ऐसे हज़ारों गज़लें और नगमे जब भी हमारे ज़ुबान और ज़हन में गूंजती हैं तो एक नाम, एक शख्सियत उसी पर ज़हन और सोच का मुहासरा कर लेती है। एक ऐसी हस्ती कि हर मकतबाए नज़र, हर सोच का इंसान, हर उम्र का बशर, बुज़ुर्ग जवान उनको सोचने पर मजबूर हो जाता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले और अपनी सारी ज़िंदगी मौसीकी की खिदमत करने वाले उस्ताद मेहंदी हसन खान। 18 जुलाई 1927 को लूना में एक म्यूज़िकल फैमिली जिसको कलावंत कहा जाता है, उनके एक ध्रुपद गायक के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे ने मौसीकी को इतनी मेहनत और इतनी लगन से समझा कि एक वक्त ऐसा आया उसे नौजवानी में ही शहनशाह गज़ल का खिताब मिला और रहती दुनिया तक वो उसी लकब से जाना जाएगा। उनकी रूह और जिस्म तो बज़ाहिर इस दुनिया से चले गए, मगर आज भी और रहती दुनिया तक वो इसी तरह हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और रहेंगे। उनकी गज़लें और उनके नगमे पाकिस्तान के मायानास फ़नकार जनाब ग़ुलाम अब्बास साहब की शीरी लहजे और अंदाज़ में सुनकर हम उनको याद करेंगे और पेश करेंगे एक खूबसूरत खराज तहसीन। तो आइए हम दावत देते हैं बादशाह गज़ल ग़ुलाम अब्बास साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और उन्हें ट्रिब्यूट पेश करें। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ग़ुलाम अब्बास साहब। ख़ातिनो हज़रात, जैसे कि आपने सुना, मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं लेकिन इशारा फिर कर रहा हूँ एक बात की कि उस्ताद मेहंदी हसन साहब शहनशाह गज़ल वही शहनशाह गज़ल थे, वही शहनशाह गज़ल हैं, वही शहनशाह गज़ल रहेंगे। मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आज अनाउंसमेंट में बादशाह गज़ल कहा गया, कहीं शहनशाह गज़ल नहीं कह दिया। तो बादशाह तो बड़ा छोटा होता है और शहनशाह बहुत बड़ा होता है। बादशाहों को बादशाह जो होता है उसे शहनशाह कहते हैं। एक मैं इतनी वजाहत ज़रूर करता चलूँ, अपने इंटरव्यूज़ में भी मैंने कहा कि मेहंदी हसन साहब और मैं दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द भी हैं, जिनका नाम उस्ताद इस्माइल ख़ान था, उनके चचा भी थे। और असल में मैं मेहंदी हसन साहब की शागिर्दी हासिल करने के लिए गया था, लेकिन मेरी खुशनसीबी ये कि मेरे हिस्से में उनके उस्ताद आ गए। लेकिन मैंने ये फ़र्क मिटाने के लिए कि मेहंदी हसन साहब और मैं हम पल्ला या हम असर आर्टिस्ट नहीं हैं, ज़मीन और आसमान का क्या तकाबुल हो सकता है, तो 86 में मैंने बाकायदा रस्म शागिर्दी उनके साथ, वो शर्फ मुझे मिला और हम उस्ताद शागिर्द के रिश्ते में भी मुंसलिक हुए। स्कूल ऑफ थॉट मेरा वही है, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि हिंदू पाक में जितने भी गज़ल गाने वाले हैं वो अगर मेहंदी हसन साहब को नहीं दिखेंगे तो गज़ल गा नहीं सकेंगे। मेहंदी हसन साहब ने गज़ल को वो तौकीर, वो इज़्ज़त बख्शी, बल्कि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये कि उन्होंने लफ्ज़ को और सुर को आमने सामने खड़ा कर दिया कि तलफ़ुज़ भी उतना अच्छा और लफ्ज़ की दरबस्त भी उतनी अच्छी और सुर भी उतना ही मजबूत। बहरहाल बहुत सी बातें हो सकती हैं और आपने खान साहब के मुतालिक तो बहुत सारी बातें पढ़ी भी हैं। आज मैं खुशनसीबी समझता हूँ कि ये मेरे हिस्से में आया कि मैं उनकी गज़लियात आपके साथ मिल के ट्रिब्यूट कर सकूँ। उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा आर्केस्ट्रा हमारे म्यूज़िक दुनिया का बहुत बड़ा आर्केस्ट्रा इस वक्त बैठा हुआ है, इससे बड़ा आर्केस्ट्रा कोई नहीं है। इनके लिए बहुत सारी तालियां, मैं आपके साथ मिल के बजाता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेहंदी हसन साहब के साथ भी परफॉर्मेंस की, मेरे जैसे छोटे आर्टिस्ट के साथ भी आज कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया इनका खास तौर पर तशरीफ लाने का। खातिन हज़रात से और अपने सारे उस्तादान से मुज़बाना इजाज़त के साथ शुरू कर रहा हूँ। अहमद फ़राज़ की गज़ल, निसार बज़मी साहब की कंपोजिशन आपकी नज़र। न सही फिर भी कभी तो
जी किसी ने कहा यार गुलामबास ये आपने तीन मास्टर जो कर लिए हैं तो फिर गाना ही गाना था। मैंने कहा गजल को समझने के लिए तो किए हैं गाना गाने के लिए तो किए थे यार। हमारी इस वक्त जो सबकी ख्वाहिश है मेरे तमाम साथियों की भी मेरी भी कि ऐसी बड़ी शायरा का कलाम आपको सुनाएं जिसे परवीन शाकिर कहते हैं। इस गजल के बारे में कहा गया कि ये राग दरबारी में गजल है, दरबारी का रंग इसमें ज़रूर मौजूद है लेकिन ये ठाठ आसावरी जिसमें बहुत सारे राग आते हैं उसके कलर्स भी इसमें मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों की जो सुनेंगे इसको उनके भी ये बात समझ में आ जाएगी कि ऑल ओवर रंग इसका दरबारी का ही है क्योंकि ये जिस थॉट से है वो आसावरी थॉट है तो इसलिए बहुत सारे रंग इसमें और भी मौजूद हैं, दरबारी इसमें ज़्यादा है। तो आपकी नज़र राग दरबारी का बेसिक रंग आसावरी ठाट की गज़ल परवीन शाकिर का कलाम। Oh.
खूबखू फैल गई बात सनासाई की उसमें खुशबू की तरह उसमें खुशबू की तरह मेरी पसीना फैल गई बात शनासा उसमें खुशबू की तरह उसमें खुशबू की तरह मेरी पसीना फैल गई बात कहीं भी कैसे कह दूं के मुझे छोड़ दिया है उसने कैसे कह दूं के
कैसे कह दूं, कैसे कह दूं, कैसे कैसे कह दूं, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है, सच है, सच है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। उसने खुशबू की तरह मेरी पसीरा तेरे दिल की तरह आबाद रहे। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह दिल की तरह आबाद रहे। तेरा पहलू तेरे दिल की तेरे दिल की तरह आबाद रहे। तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। उसने खुशबू की तरह मेरी पज़ीराई की। खुबखू फैल गई बात। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा,
रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की, उसने खुशबू मेहदी सिंह साहब और मैं उस्ताद भाई तो मैं समझता नहीं हूँ, हूँ वैसे ज़रूर, लेकिन वो उस्ताद ही हैं क्योंकि वो जगत उस्ताद थे। मेरे साथ फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन कोई 25 साल उन्होंने गाया, हमने दोनों ने दो गाने भी फिल्मों के गाए जिसमें नीम क्लासिकल भी थे और दूसरे कमर्शियल भी थे। मैडम मूरजा के साथ 25 साल मैंने गाया फिल्म में, लेकिन मेहदी हसन साहब का तस्करा इसलिए इस वक्त मैं कर रहा हूँ ख़ास बात के लिए कि PTV पे एक प्रोग्राम हुआ, मेरा ख़्याल है उसका नाम था अपनी धुन में, जिसमें हयात अहमद खान आके इंटरव्यू दे दिया करते थे, इंटरव्यू लिया करते थे, और हमारे बहुत बड़े बड़े मौसीकार पाकिस्तान के वो आके अपनी ज़िंदगी के शाहकार 5 नगमे सुनाते थे। प्रोग्राम का नाम था अपनी धुन में, PTV पे वसीम भाई ये चला करता था। तो एक आर्टिस्ट का अपनी ज़िंदगी के 5 शाहकार नगमों को चुनना बहुत मुश्किल होता है, तो कोई किसी बाप से कहे तुम्हारे 10 बच्चे हैं तो तुम 5 अजीज बच्चे निकालो कौन से हैं, तो इस तरह का ही काम है, इस तरह की बात है। बहरहाल उसमें बहुत बड़े बड़े मौसीकार आए, रोबन घोष आए, मास्टर अब्दुल्ला आए, मास्टर अनायत हुसैन आए, निसार बज़मी साहब आए, ए हमीद साहब आए, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब आए, जो मैं नाम भूल रहा हूँ मुझे माफ़ कीजिएगा। तकरीबन जितने भी प्रोग्राम थे उसमें हमारे सारे ही मौसीकार, कमाल अहमद और नज़ीर अली साहब, एम अशरफ साहब और वजाहत अत्रे साहब, नौशाद साहब भी आए। नौशाद साहब तो हिंदुस्तान वाले थे, वो यहाँ नौशाद साहब थे, वो नौशाद साहब भी आए उसमें। असद भाई थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे याद दिलाया। और बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े बड़े मकबूल नाम हैं हमारे शाहकार जिन पर हमें बहुत फ़ख्र है, उन मौसीकारों ने आके अपनी ज़िंदगी के 5 शाहकार नगमे चुने हर मौसीकार ने, और हयात अहमद ख़ान साहब ने मरहूम ने उनका इंटरव्यू जो था वो PTV से लिया। ये प्रोग्राम तकरीबन कोई 2.5-3 साल चला, लोगों ने देखा। इस वक्त इस महफिल में भी मौजूद होंगे कुछ लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा होगा। उस पे मैंने अपने जितने नगमे फिल्मी थे तो ऐसे वो शर्माए जैसे मेघा छाए, रोबन घोष का गाना वो गाने गा दिया, या मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं वो भी गा दिया, देखकर तुझको मैं गम दिल के बुला देता हूँ, रात दिन तुझको दिन जीने की दुआ देता हूँ, हमने जाने वफा तेरी इबादत की है, या एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे, जब तक मेरे साहब इच्छान प्यार मेरा ईमान रहेगा, नज़ीर अली साहब का गाना, ये सारे नगमे मैंने जितने भी थोड़े से मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें मेहदी हसन साहब के ऐसे नगमे थे, मैं सोच रहा था, मैंने कहा अगर काश यार ये शर्त ना होती कि जिस आर्टिस्ट ने पहले गाया हुआ है वही दोबारा गाएगा, तो ये नगमे काश मैंने गाए हुए थे तो मैं दोबारा गा लेता। मेहदी हसन साहब ने अपने सारे नगमे जितने भी थे, ज़ाहिर है वो बड़े फनकार थे और मुझसे पहले इंडस्ट्री में मौजूद थे,
और शाहकार मौसीकार टीवी पे आगे अगर मेहदी हसन साहब का गाना कोट ना करे तो गाना मुकम्मल ही नहीं होता, वो मौसीकार वो आर्टिस्ट ही मुकम्मल नहीं होता, बल्कि इंडस्ट्री मुकम्मल नहीं होती, फिल्म इंडस्ट्री या संगीत मुकम्मल नहीं होता। तो मेहदी हसन साहब मौजूद नहीं थे तो मेहदी हसन साहब के गाए हुए सारे नगमे रह गए। तो उन्होंने खुद फ़ोन किया लाहौर पीटीवी पे जीएम को कि यार ऐसा करो गुलाम अब्बास ने अपने सारे गाने गा दिए तो मेरे सारे गाने उससे रिकॉर्ड करा दो। तो वो तमाम गाने जितने भी उस एपिसोड के जितने भी गाने थे सारे मैंने रिकॉर्ड किए। और जब वो टीवी पे प्रोग्राम चला तो हमारे बच्चों को ये खबर तो नहीं है, हम तो मेहदी हसन साहब को कोई ऐसी फरमाइश कर देते हो किसी दूसरे की गाई हुई हो या हम अताउल्लाह को कह दें आप गुलों में रंग भरे सुना दें, हमारे बच्चे तो ऐसे ही है ना। तो अब खैर कंप्यूटर जब से आया है, जब से यूट्यूब या फेसबुक खुला है या संगीत पहुंचा है या हम लोग भी दोबारा रिवाइव हुए हैं तो उसमें आके बहुत सारी बातें अब सुधर गई और हम अब समझते हैं कि यंग जनरेशन जो है वो बहुत म्यूज़िक को गज़ल को ख़ास तौर पे लाइक करती है, शेर को समझती है। तो कहीं मेहदी हसन साहब जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक नगमा लिख के भेजा किसी बच्चे ने कि जी गुलाम अब्बास का मेहदी हसन साहब वो नगमा सुना दीजिए, बेतरतीब सी एक ज़ाहिर है वो लाइनें लिखी हुई थी। मेहदी हसन साहब में है तो ये बदतमीज़ी लेकिन मेहदी हसन साहब वो गुलाम अब्बास का गाया हुआ वो नगमा सुना दे, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तो मेहदी हसन साहब का मुझे फ़ोन आया, कहने लगे यार तुम अपने गाने गा लेते थे, अपनी गज़लियात गा के तो अपना प्रोग्राम ख़त्म कर देते थे, मेरी दुआ है कि आज के बाद तुम्हारी कोई गज़ल कोई प्रोग्राम मेरी गज़ल और मेरे नगमे के बगैर ख़त्म ना हो। तो मैंने खान साहब से ही कहा, मैंने खान साहब देखें ना तो मेरा पटियाला घराना था, हालांकि इस घराने सारे मेरे ही हैं, मेरे अपने हैं, मेरे दिल से निकले हुए हैं ये। मैंने कहा ना तो मेरा पटियाला घराना है, बड़े फ़ख्र की बात होती मैं पटियाला घराने में से होता या कोई शाम चौरासी घराना होता या मेरा कसूर घराना होता, किसी म्यूज़िक घराने से मेरा ताल्लुक़ होता तो मैं तो आपके ही घराने से सीखा हुआ बंदा हूँ, बाहर से छलांग म्यूज़िक में लगा दी अताई से आदमी ने और आपसे सीख के मैं गा रहा हूँ, मेरी इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी कि मैं आपके नगमे में भी गाऊँ। तो मेरा जी चाहता है वो नगमा आपकी नज़र का कतील सिपाही का लिखा हुआ वो शाहकार नगमा सभी
प्यार किया करते हैं, मैं तुम मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते चरा तेरी है।
एक गीत आ गया लाइट सा, मुझे याद आ गया कांसर का गीत, जो अक्सर मुझसे वो सुना करते थे, यार ये तो सुनाओ, या एक गज़ल सुना करते थे गालिब की, कोई दिन कर जिंदगानी और है, हमने अपने दिल में ठानी और है। रबन घोष की कंपोजिशन आपकी नज़र। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, सनम जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो
फैज का कलाम आपकी नजर कर रहा हूं आपकी फरमाइश पे। ये शाहकार गजल जो मेडिसन साहब की पहचान बनी और बस इसको गाने के लिए मैं चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जब तक वो रास्ते सीखे हुए ना हो जो इस गज़ल के लवाजमात हैं, उस वक्त तक ये रटा लगा के गज़ल गाई नहीं जा सकती। ये ऐसी गज़ल है, बहुत सारी तेज़ियाँ तर्रारियाँ इसमें ख़त्म हो जाती हैं, इसका रंग ख़राब हो जाता है। और कुदरती बात यह है कि हमारे जो तारिक बाल साहब जो हारमोनियम पे इस वक्त बैठे हुए हैं मेडिसन साहब के साथ, इन्होंने ये गज़ल मेरे ख़्याल हज़ारों मरतबा बजाई होगी और आज आपके सामने भी मेरे जैसे फनकार के साथ भी है। अच्छा, मैं अपने आप को इतना छोटा नहीं कर रहा,
साहब ऐसे ये समय में बचपन से तुम मेरे साथ हो। तो ताहिर इकबाल हमारा बहुत सीनियर हारमोनियम नवाज, इनके लिए बहुत सारी तालियां। ये साथी हैं मेहदी हसन साहब के, हमारे ये साथी हैं। प्रोमिनेंट इनको इसलिए कर रहा हूँ कि मेहदी हसन साहब के साथ हारमोनियम पे बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये नहीं कि बाकी लोग जो बैठे हुए हैं वो ऐसा नहीं है, वो भी बहुत बड़े लोग हैं। खान साहब के साथ जो वक्त ज़्यादा गुजारा है वो ताहिर इकबाल ने गुजारा है। तो इसलिए बहुत सारी तालियां आपके लिए, हम बजाएंगे क्या आपने ताहिर इकबाल के लिए बजाएंगे। आपकी समाधों की नजर फैज अहमद फैज साहब का कलाम। कुछ तो कहो
Ni ni sa da ni ni pa da ma ma pa da ma ma re ga ga sa re re re.
सो गुजरी। मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी भरे बाद न बहा।